विद ओपन आर्म्स एंड ओपन हार्ट्स, और हम सबको एक एक खिलाड़ी के ऊपर फ़ख्र है जो सेमीफाइनल में बेहतर खेला, जाहिर है वो फाइनल में गया, लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ी सी हिम्मत कर लेते तो हम फाइनल में चले जाते, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम वर्ल्ड कप जीतेंगे अगर इसी तरह इसी इसको सस्टेन किया इस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को, तो इंशाल्लाह हम अगला। मैम, हसन अली को फैंस बहुत नाराज़ हैं, तो ऐसा होता है कभी वो हीरो बनता है खिलाड़ी, कोई कभी जीरो भी होता है, जैसे आज वो जीरो हो गए हैं, तो उन मेरे ख्याल में कोई खिलाड़ी जीरो नहीं था, पूरे टूर्नामेंट में कोई खिलाड़ी जीरो नहीं था। बहुत ही कमाल, बहुत अरसे बाद ऐसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दिखाई है, और मुझे दोबारा मैं कहना चाह रही हूँ कि सबको ओपन आर्म्स और ओपन हार्ट्स के साथ हमें रिसीव करना चाहिए, और कमाल कैप्टनसी थी बाबर आजम की, एक एक खिलाड़ी ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस। स्पेशल मैसेज फ्रॉम यू टू हसन अली, थोड़ा सा बेहतर खेल लेते। अच्छा मैम, क्या कहेंगी, इमरान खान प्लानिंग कर रहे थे फाइनल देखने की। मेरे ख्याल में मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती। आपको दुख कितना हुआ है, आप स्पेशल पाकिस्तान से आई हैं, हार का दुख कितना लेके जा रही हैं? हार का दुख हमेशा होता है, लेकिन इस बात की खुशी है कि बहुत अच्छी गेम खेली है क्रिकेट, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है टीम ने। अब रमीज राजा के हवाले से क्या कहेंगे, उनकी चेयरमैनशिप पे टीम क्रिकेट पाकिस्तान की बेहतर? मैं समझती हूँ कि सारी टीम एफर्ट थी, ये पूरी कलेक्टिव टीम एफर्ट थी, और फिर जो सपोर्ट पाकिस्तान ने दी है इधर भी और आउटसाइड पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर भी, जो खिलाड़ियों को सपोर्ट दिया, यही जज्बा होना चाहिए क्रिकेट टीम का, यही जज्बा होना चाहिए कौम का। मैडम, क्या आप इसका क्रेडिट इमरान खान को देना पसंद करेंगे, ये जो परफॉर्मेंस इस बार टीम ने दिखाई? मैंने पहले क्या, इसका क्रेडिट सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर्स को जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जाता है, इसके अलावा अल्लाह ताला को जाता है।